तो आउटलुक दे दूं मैं आपको इस घर की। ये आउटलुक है, जो गेट जो है वो विर्साचे डिजाइन स्टाइल में बनाया गया है, और इसका जो व्यू है ना वो बड़ा क्लास है। ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं ये सारे वही चलते हुए आ रहे हैं जो मार्गा हिल्स इस्लामाबाद वाले हैं। इसकी जो प्राइस है वो बड़ी रीजनेबल है, वो मैं आपको नोट बताऊंगा। ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन अगर आप ऊपर रेंट आउट करते हैं तो आप इसको बंद करके जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आया हूँ फैसल हिल्स एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में। यहाँ पे ये जो सीरीज़ है ये 400 की सीरीज़ है, और ये जो साइज़ हैं यहाँ पे प्लॉट्स के वो हैं 5 मरले, जिनकी जब डायमेंशन बनती है 25x50 25x50 के। और यहाँ पे काफ़ी यानी कि तादाद में जो है वो घर बन रहे हैं और बन चुके हैं, विलाज जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो आज जिस घर का हम विज़िट कर रहे हैं वो ये वाला घर है, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है। ये वाला घर है, इसका साइज़ है 5 मरले। तो आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से भी हम हो रहे हैं एंटर। ये इसका जो है कार पोर्च है, ये टाइल्स यूज़ की गई हैं, टाइल्स लगी हुई हैं सारी। और ये सामने रॉक वॉल है, और ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और प्रॉपर ये 2 यूनिट हाउस है। ये स्लाइड इसका जो है गेट है, और ये बोरिंग व्यू घर में। उसके अलावा इसकी एंट्रेंस जो है वो 2 है। एक बेसिकली अगर आप सिंगल यूनिट यूज़ करना चाहें तो वो मेन एंट्रेंस है इसकी, और अगर आप प्रॉपर यानी कि डबल यूनिट इसको यूज़ करते हैं तो फिर आपकी एंट्रेंस बनती है ये वाली। ये इसका सिटिंग एरिया है, यहाँ पे नीचे जो है वो पैनलिंग हुई है, शील्ड बल्कि टाइल लगी हुई है। उसके अलावा ये सामने आपको नजर आ रही होगी इसकी रोप लाइट, ये फानोस लगा हुआ है। ये इसकी बनती है सिटिंग एरिया इसका। इसकी जो प्राइस है वो बड़ी रीजनेबल है, वो मैं आपको नोट बताऊंगा। ये आपका सिटिंग एरिया, प्रॉपर सिटिंग एरिया बनता है। सामने यहाँ पे आप LED जो है वॉल जो बनी है इसकी शेप बनी है वो, साथ ही एक रैक सा बना हुआ है, ये यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज हो सकता है ये। उसके अलावा एक ये इसका ये बेडरूम है, इसमें भी इसी तरह ही ये यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है। ये इसका वॉशरूम है, ये इसकी वैनिटी आ गई, ये कबर्ड इसके से कबर्ड आ गया। ये इसका फर्स्ट बेडरूम था, ये इसका किचन आ गया, और ये यहाँ पे जो है वो मार्बल का पीसेस गया है, ग्रेनाइट मार्बल जो होती है। ये इसका एग्जॉस्ट आ गया, ये इसका सेकंड बेडरूम है। एक डिसेंट साइज है 5 मरले के घर के लिए, यानी कि अच्छा जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छी हुई है। ये पीछे गैलरी आ गई इसकी, ये तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। ये ओपन किचन है इसका। उसके अलावा एक ये बेडरूम, सेकंड ये बेडरूम, ये सिटिंग एरिया। और अगर आप यानी कि रेंट आउट करते हैं इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसको, तो यहाँ से आप जो है यहाँ से बंद करके आप वो भी कुछ सेपरेट कर सकते हैं, कि उसकी एंट्रेंस जो है वो भी सेपरेट है। ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन अगर आप ऊपर रेंट आउट करते हैं तो आप इसको बंद करके इसको रेंट आउट कर सकते हैं जो इसका फर्स्ट फ्लोर है। तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है हाउस, यहाँ पे भी मार्बल लगी हुई है जो स्टेयर्स हैं इसकी। उसके अलावा वेंटिलेशन जो है वो घर की जबरदस्त किस्म की है। ये इसकी गैलरी है, इसी तरह सेम नीचे जो मैप था वही ऊपर मैप है। ये इसका सिटिंग एरिया आ गया, और सेम उसी तरह जैसे नीचे था उसी तरह इन्होंने एक ये बनाई हुई LED के लिए। और ये इसका टेरेस है,
कि अगर आप लोग शाम को यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीना चाहें तो आप यहाँ पे सिटिंग बना सकते हैं। उसके अलावा जो व्यू है इसका, ये सामने भी काफ़ी ज़्यादा जो है विलास तैयार हो रहे हैं, और ये सामने जो है मार्गला व्यू, ये फैसल हिल्स का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। और इन जो ये आपको नज़र आ रहे होंगे माउंटेन, इसकी बैक साइड पर B17 इस्लामाबाद है। ये मिनी कमर्शियल है सामने, ग्रीन एरिया मिनी कमर्शियल और मस्जिद जो है वो उसका प्लॉट है। वो अगर आपके सामने मस्जिद नज़र आ रही हो तो वो जामिया मस्जिद फातिमतुज़्ज़हरा है, जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की मेन जामिया मस्जिद है। उसके अलावा ये जो कटिंग है ये सारी 5 मरल की है। सारे पूरे घर पे जो है रॉक वॉल का काम किया गया है। इसी तरह ही जिसना नीचे 2 बेडरूम थे ऊपर भी 2 बेडरूम है, टोटल 4 मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे एक ये डिसेंट साइज है 5 मरल के हिसाब से, एक ये बेडरूम है इसका, और सेम उसी तरह ही ये बाथरूम। ये इसी तरह सेम नीचे जैसे ओपन किचन था उसी तरह ओपन किचन, ये सिंक आ गया इसका, और इसी तरह यहाँ पे ग्रेनाइट लगी हुई है, मार्बल का यूज़ किया गया है। ये इसका जो जैसे नीचे एग्जॉस्ट था उसी तरह ये एग्जॉस्ट है। ये इसके रैक्स आ गए, ये सेकंड बेडरूम है इसका, और इसी तरह वो जो है दरवाज़ा वो डोर जो है वो इसका गैलरी में जाने के लिए। और अब चलते हैं मोमटी की तरफ, जो स्टेज नीचे आ रही है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें ले जाएंगी सेकंड फ्लोर पे, जो मोमटी है इसकी। ये एक स्टोर रूम है, इसके अलावा ये मोमटी आ गई इसकी। जो मोमटी का व्यू है सारी ये मुस्की है, ये सारी सामने मार्गला की पहाड़ियाँ हैं। ये सर्वेंट यूज भी हो सकता है बतौर, इसको आप स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं नीचे, इसकी प्राइस की बात करें तो बड़ा रिजनेबल ये घर है, ये जिनकी छोटी फैमिलीज है यहाँ पर किसी ने रेंट आउट करना तो अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो डिमांड है वो 1.70 करोड़ रुपीज़ है, 1.70 करोड़ रुपये का ये घर है, इसकी आस्किंग प्राइस है। तो जो इसका कार पोर्च है बेसिकली वहाँ पे एक हैचबैक गाड़ी जो है वो तो इजीली खड़ी पार्क कर सकते हैं आप लोग, और जो एक सेडान गाड़ी है वो भी आ जाएगी, लेकिन फिर स्पेस का थोड़ा इशू होगा। स्लाइडिंग डोर इसलिए लगाया गया इस पर ताकि उसका इशू वैसे ना आए, लेकिन 5 मरल के हिसाब से 25-50 के हिसाब से काफ़ी यानी कि अच्छा मैप है ये, कि स्पेस की यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है। और ये इस घर की मेन एंट्रेंस थी, अगर आपने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रेंट आउट करना है तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं, सेपरेट एंट्रेंस बच जाएगी इसकी। तो आउटलुक दे दूं मैं आपको इस घर की, ये आउटलुक है, जो गेट जो है वो विर्साची डिजाइन स्टाइल में बनाया गया है। और इस स्ट्रीट में ये स्ट्रीट नंबर 9 है, और यहाँ पे काफी ज्यादा घर जो है वो बन रहे हैं। और इसका जो व्यू है ना वो बड़ा क्लास है, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे वही चलते हुए आ रहे हैं जो मार्गला हिल्स इस्लामाबाद वाले हैं। और वो सामने अगर आपको नज़र आई, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है फैसल हिल्स का, यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ हैं प्लॉट्स के।